हमारा जो एशियन तर्ज खिदमत है यानी तरीकाकार जो खिदमत का है, उसमें खिदमत करने वाले और खिदमत कराने वाले दोनों के जब तक ख़ानदान समेत पूरे इलाके को पता ना चले, ना खिदमत करने वाले को सुकून आता ना खिदमत कराने वाले को सुकून आता है। यानी कि हम जो किसी की इमदाद या मदद करते हैं वो बड़े अजीबोगरीब तरीके से करते हैं कि दोनों को पब्लिक कर देते हैं कि जी इसने मदद की और इसने मदद ली है, हालांकि जिसने मदद ली है उसकी को काफ़ी सारी सहूलतें अवेलेबल होनी चाहिए, उसकी नाम जो है या शोहरत बाहर नहीं निकलनी चाहिए कि इस बंदे ने इमदाद ली है, क्योंकि बाज़ात ये मसाइल इंसान के ज़िंदगी के बहुत सारे ख़तरनाक हो जाते हैं। ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता कब इंसान अपना वक़्त बदल दे या वो उसकी बच्चों के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं और बहुत सारे मामलात होते हैं। दूसरा ये कुदरतन जब आदमी कोई हाथ फैला ले या जब कोई इस तरह की मदद अमदाद ले ले उसको सहूलियात अवेलेबल हो जाती है कि आइंदा के लिए वो इन्हीं चीज़ों पर इंसार करना शुरू कर देता है, और अगर वो खुफिया तरीके से मदद की जाए तो उसके अंदर अपने खुद के काम करने का जो जज्बा बरकरार रहता है और वो काम करने की कोशिश करता है। अब एक जो बड़ी मशहूर मिसाल दी जाती है कि एक एबटाबादी यानी कि मानसरा का बंदा था, उसने सारी उम्र चर्स और फीम वगैरह खाई, तो वक्त आ गया कि उसने कहा यार ये छोड़ दिए, बुरी चीज़ें हैं छोड़ देनी चाहिए। उसने छोड़ दी और छोड़ने के बाद वो तबलीगी जमातों के साथ चला गया। तबलीगी जमातों के साथ उसने जनाब काफ़ी टाइम लगाया। इस दौरान तबलीगी जमात वाले जो होते हैं वो किसी एक मस्जिद में ठहरते हैं और फिर वो हर नमाज से कुछ देर पहले निकल के मोहल्ले में लोगों के घर घर जाते हैं और लोगों को दावत तबलीग देते हैं, जी नाब आ जाए मस्जिद में नमाज़ पढ़ें, हमारे मौक़ सुने, ये है वो है। इस दौरान वो उस शख्स को साथ लेके जाते और कहते ये जनाब मोहतरम है, ये पहले पाउडर पीते थे, चर्स पीते थे, हीरोइन पीते थे, नशा करते थे, अब इन्होंने छोड़ दिया है और अब ये हमारे साथ तबलीग का काम करते हैं और नेक हो गए हैं, नेक अमल करते हैं, आप भी इसी तरह इनके साथ आ जाएं और नेकी को फैलाएं। वो तकरीबन काफ़ी देर इन लोगों के साथ रहा। एक दिन उसने कहा ना भाई मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहता, इतना तो मैं चर्स पाउडर फीम पीते हुए भी मशहूर नहीं हुआ था जितना आपने मुझे छोड़ने के बाद तबलीग के दौरान मशहूर कर दिया कि ये साहब जनाब ये करते हैं वो करते हैं। तो इसलिए मदद अमदाद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि उसका जनाब सारा कच्चा चट्टा खोल दें। अब बहुत सारी तंजीमें ऐसे चीज़ें ऐसे लोग हैं मौजूद हैं जो हज़ार रुपया देते हैं लेकिन तस्वीर बना के सोशल मीडिया पर लाखों लगा देते हैं उसको स्पॉन्सर करने में, तो ये काम ठीक नहीं है। मदद अमदाद का मतलब है इस हाथ दे उस हाथ ले, किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आपने किसकी कैसे मदद की है। दूसरा ये है कि उसकी खुददारी बरकरार रखनी चाहिए, अगर वो बंदा मदद अमदाद लेने का आदी हो गया तो भी मुजरम आप हैं क्योंकि आपने उसको आदत डाल दी है अमदाद और मदद पे जिंदा रहने की, तो ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। हमारा माशरा जो है इस चीज़ को जो है ना गौर करना चाहिए कि किस तरह हमने किसी को मदद अमदाद करनी चाहिए। लोग जो है वो बेदरेग पैसे का भी इस्तेमाल करते हैं अमदाद के लिए, बहुत सारे लोग अच्छे तरीके से भी मदद करते हैं। मैं तो देखता हूँ कि ये जो जितने ज़िम्मेदार लोग हैं ये हर मन में 4 किलो जो गंदम है वो अतिया करते हैं, इसी तरह मनों के हिसाब से अतिया करते हैं। और जब गंदम का सीज़न आता है तो जो लोग अमदाद लेने वाले हैं वो लोग इनके घरों में आके बैठ जाते हैं। असल मसला ज़िम्मेदार का ये भी होता है कि इस तरह की जो ख़ानदान इनसे जुड़े होते हैं इन्होंने बरवक़्त उनको ये चीज़ें देनी होती हैं और इस वजह से भी वो गंदम जिस रेट और जैसे भी हो वो लोगों को बेच देते हैं कि चलो जी कोई बात नहीं है 10-20-50 का नुकसान हो गया लेकिन जो लोग हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। जो ख़ानदानी लोग हैं वो बिल्कुल सालाना हर उन लोगों की मदद करते हैं जो हर साल उनके पास मदद अमदाद के लिए आते हैं, तो किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि किस तरह किसी की मदद अमदाद की जाए। तो मेरी आपसे इल्तमास है कि मदद अमदाद कीजिए, लोगों की खिदमत कीजिए, लेकिन खुदा रहा उनकी खुददारी से मत खेलें क्योंकि यही एक चीज़ है जिससे उनके अंदर एक जोश एक बलबला पैदा होता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खुद अपने से कैसे ज़िंदा रहना है, और जब ये वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो वो फिर हाथ फैला लेंगे और जब हाथ फैला लेंगे तो माशरे के नापसंदीदा शख्सियत बन जाएंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी।